हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. गाइस, मैंने एक मेकअप ट्यूटोरियल किया है और जैसे मैंने पहले अपने फेस को अच्छे से एक अच्छे से वाइप कर लिया है, क्लीन कर लिया है अपने फेस को. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एक स्प्रे मिस्टेड, इसे पूरे फेस पे स्प्रे कर लूँगी और इसे ड्राई हो जाने दूँगी. उसके बाद मैं यूज़ करूँगी पतंजलि का एलोवेरा जेल, जो बहुत अच्छे से आपके, अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो और बहुत अच्छे से ये भी आपके फेस पर वर्क करता है. और इसके बाद मैंने यूज़ किया है पटनी का 100 नंबर फाउंडेशन, ये मुझे बहुत पसंद है और बहुत अच्छे से वर्क करता है और फेस पे ग्लो करता है बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से फेस पर सेट हो जाता है. ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको पहले अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. और उसके बाद में मैंने यूज़ किया है ये NYB का कंसीलर है और जो मैंने पर्पल से मंगाया है ऑनलाइन. और इसके बाद में मैंने इसको भी एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप डैप करके इसको भी ब्लेंड कर लिया अपने फेस पर. उसके बाद मैंने यूज़ किया है आईब्रोज़, मैंने अपनी आईब्रोज़ फिल किए हैं एक पैलेट से, एक ब्लैक कलर लेकर मैंने ब्रश की हेल्प से अपनी आईब्रोज़ को फिल किया है क्योंकि मैंने आईब्रोज पेंसिल यूज़ नहीं की है. मुझे ऐसे थोड़ा सा ब्लैक चाहिए था तो मैंने पैलेट से ही ब्लैक कलर लेकर उसी से फिल कर लिया है और एक पुली की हेल्प से मैंने अच्छे से सेट कर लिया है उसको. उसके बाद मैंने आई बेस बनाया है, तो एक उस पैलेट की किट से मैंने एक कलर लेकर इसमें मैंने बेस बना लिया है. पहले आई को पूरी अच्छे से सेट कर लिया क्योंकि स्मोकी आईज़ के लिए बेस बनाना ज़रूरी है. और मैंने कंटूरिंग की है अपनी फिंगर की हेल्प से ही, पहले मैंने अप्लाई कर लिया है. उसके बाद में एक छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको डैप डैप करके मैंने इसे ब्लेंड कर लिया. मैंने नोज़ एरिया पर भी किया है क्योंकि नोज़ को स्लिम दिखाने के लिए मैंने इस पर भी कंटूरिंग की है. और फोरहेड को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मुझे अपना फोरहेड ऑलरेडी बहुत पतला लगता है, इसलिए मैं इसे छोड़ देती हूँ. और मैंने ऐसे ब्यूटी छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने इसे डैप डैप करके और ब्लेंड कर लिया है. उसके बाद मैंने ये NYB से कॉम्पैक्ट पाउडर है जिसे मैंने पर्पल से मंगाया है, इसको मैंने अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है अच्छे से, नेक पे भी कर लिया. और इसे यूज़ करने के बाद स्वेट की प्रॉब्लम नहीं होती और ये बहुत अच्छे से फाउंडेशन को सेट कर देता है, बेस वगैरह बहुत अच्छा से सेट हो जाता है और ये मुझे बहुत पसंद है. मैं कभी भी मेकअप नहीं भी करती हूँ तो भी मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है. और मैंने एक पैलेट किट से एक कलर को पिक किया और मैंने स्मोकी आई में दो ही कलर अप्लाई किए हैं. इसे मैंने क्रीज लाइन कर ली है, उसके बाद ये दोनों आँखों में मैंने क्रीज लाइन बना ली. एक ही ब्रश के से मैंने स्मोकी आई किया है क्योंकि अभी ब्रश की शॉर्टेज है, ब्रश मुझे अभी रिसीव नहीं हुए हैं तो बस मैं अभी अपना कर रही हूँ जो भी है मेरे पास. और ये ओरिफ्लेम का काजल था जिसका नोक टूट गया है, मैंने उसी को थोड़ा सा अप्लाई किया है. मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया इसलिए क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम मैं स्मोकी आई कर रही हूँ, मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि स्मोकी आई हमारी ख़राब हो जाए, तो मैंने बहुत ज़्यादा से ब्लैक नहीं किया है. और इस काजल को मैंने इस ब्रश की हेल्प से ही डैप डैप करके इसे पहले स्मच कर लिया है पूरे आई पर. उसके बाद में मैंने एक पैलेट किट से ब्लैक कलर लेकर पूरे आई पर अप्लाई कर लिया है और मैंने दो कलर से ही स्मोकी आई किया है और मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है ताकि कोई ड्राई पैचेस ना रह जाएं. और स्मोकी आई अगर आप ब्लेंड अच्छे से करते हो तभी वो अच्छा लगता है. उसके बाद मैंने एक कलर गोल्डन, लाइट गोल्डन कलर लेकर मैंने आई कॉर्नर पे यूज़ कर लिया है. उसके बाद में मैंने अप्लाई किया है काजल, जिसको अप्लाई करने के बाद मैंने एक ब्रश की हेल्प से उसको भी स्पैच कर लिया है. मैंने इसमें थोड़ा सा नहीं दिखाया है, भूल गई थी मैं कैमरा ऑन करना, तो मैंने इसे अप्लाई कर लिया है. और उसके बाद में मैं यूज़ करूँगी आईलाइनर, जो स्केच आईलाइनर मुझे मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मैं हमेशा ऐसे यूज़ करती हूँ और मैंने कोई भी ड्रॉ नहीं की है. और
मैंने इसे थोड़ा सा मोटा लगाया है क्योंकि मुझे इस तरह से ही अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने यूज़ किया है मस्कारा, जो इससे मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था। और मैंने कोई फेक आईलैशेस अभी तक यूज़ नहीं किए हैं, लेकिन मैं अगले मेकअप ट्यूटोरियल में मैं सोच रही हूँ कि मैं फेक आईलैशेस यूज़ करूँ। इसके बाद मेरी लिपस्टिक मैंने ली है, जिसे मैंने ब्लशर की जगह यूज़ किया है। इसका कलर बहुत प्यारा था तो मैंने इसे ट्राई करते हैं। और मैंने फिंगर की हेल्प से टैप टैप करके पहले मैंने इसे अप्लाई कर लिया, उसके बाद एक ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा स्मच कर लिया है। उसके बाद मैंने यूज़ किया हाइलाइटर, जो अगेन मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया है, और मैंने इसे चिन एरिया पे और नोज़ पर अपने लिप्स फोरहेड पर यूज़ कर लिया है। और मुझे हाइलाइटर बहुत पसंद है, मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। और उसके बाद मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं अप्लाई ज़रूर करती हूँ, विदाउट मेकअप भी मैं अप्लाई कर लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फेस ग्लो करता है। और मैंने ये लिपस्टिक ली है, मैंने एक्चुअली लिपस्टिक के दो शेड लेकर मैंने ये लिपस्टिक का कलर अप्लाई किया है। मुझे रेड नहीं चाहिए था तो इसलिए मैंने ये कलर लिया है। और ये दोनों लिपस्टिक मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ की हैं, और मैट लिपस्टिक है और मुझे बहुत पसंद, मेरा ये कलर फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। मैं हमेशा ऐसे अप्लाई करती हूँ, और मैं स्पेशली वैसे वेस्टर्न ड्रेस पहनती हूँ तो मैं इसे ज़्यादा अप्लाई करती हूँ। और इसके बाद में मैंने एक फिक्सर की हेल्प से मैंने अपने मेकअप को सेट कर लिया है। पहले मैंने अपने फेस को स्प्रे किया है, उसके बाद इसकी एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे थोड़ा सा सेट कर लिया है ताकि ये अच्छे से उभरा हुआ ना लगे, पेक ना दिखे। और ये मेरा है फाइनल लुक। और गाइस कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। मेरा मेकअप अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय।